कुछ वजन मैं कम कर लूं? हां यस यस मैं उठाऊंगा, आपको चिंता मत करो, जो मानसिक वजन है वो सब तमाम साथ लगा दो यार। पार्टी और सरकार, जो हमारी पार्टी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी, राजस्थान में हमारी सरकार थी और खुद का भी कार्यकाल, सबको मिलाकर एक ताकत बनती है उन सबके दम पर और अपने कार्यकाल दम पर। मोदी और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने करौली धौलपुर की जनता के लिए विकास के कार्य किए हैं। उन्हीं विकास की परिकल्पनाओं को देखते हुए मैं करौली धौलपुर का आने वाले 5 साल में कैसे विकास हो, कैसे करौली और धौलपुर पिछड़े हुए जिलों की श्रेणी से निकलकर विकसित जिलों की श्रेणी में जाए, कैसे आधारभूत संरचनाएं, सड़क, पानी, बिजली और बहुत सारे विकास कार्य, विशेष तौर से ERCP का मेरा एक सपना है, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट, जिससे करौली और धौलपुर को आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जिस प्रकार से हमने धौलपुर में राजाखेड़ा चंबल लिफ्ट परियोजना को पूरा कराने का काम चल रहा है, इसी प्रकार से आने वाले समय में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के माध्यम से दोनों जिलों को ये काम पूर्ण हो, ताकि सिंचाई का और पीने का पानी किसानों को मिल सके, आम जनता को मिल सके। करौली की एक प्रमुख मांग भी रही है, करौली रेल परियोजना, उसको किस तरह से आएगा? देखिए, जिस प्रकार से पूर्व कांग्रेस सरकार ने वर्तमान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और उनके उस वक्त के तत्कालीन रेल राज्य मंत्री ने शिलालेख सरमथा में किया था, उसमें बहुत सारी तकनीकी खामियाँ थी और चूंकि वो तकनीकी खामियाँ ऐसी थी जिनको दूर करने का सांसद होने के नाते मैंने भरसक प्रयास किया था और निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मोदी सरकार आती है और उसमें मुझे अवसर मिलेगा करौली में रेल लाइन लाने के लिए, मैं भरपूर प्रयत्न करूँगा। पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जल्द ही मोदी के नाम पर